नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आशा करता हूँ मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नौ ग्रहों के बारे में, और हमारी जिंदगी में नौ ग्रहों का बहुत अत्यधिक महत्व है और इसका सीधे सीधे हमारे जिंदगी में असर भी पड़ता है। जैसे जैसे हमारे प्लैनेट कुंडली में बैठे होते हैं, लग्न चार्ट में बैठे होते हैं, हम उसी हिसाब से अपने जो एक्शन होते हैं, कर्मा होते हैं, वो करते हैं। अब इसी कारण अच्छे बुरे का भी जो चीज़ होती है वो नवग्रह ही करवाते हैं। एक घर में अच्छे लोग भी पैदा होते हैं और उसी घर में बुरे लोग भी जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो नवग्रहों के जो दोष होते हैं उनको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। इसमें हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, थोड़े से अपने कर्म करने होंगे और ये जो नौ ग्रह हैं सकारात्मक परिणाम आपको देने लग जाएंगे। जब बात नौ ग्रहों की आती है तो लोग इसे सही करने के लिए, सकारात्मक परिणाम के लिए या तो व्रत लेते हैं या फिर इसकी चालीसा करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, या इसके रत्न जेमस्टोन पहनते हैं, इनका दान करते हैं। और जिसका खास महत्व है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में, वो है बीज मंत्र जो होते हैं वो खास असर करते हैं। लेकिन अगर आप कवच की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो बीज मंत्रों से भी कवच का जो असर है वो ज़्यादा है, कई गुना है और पावरफुल है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नौ ग्रह कवच। मेरे एक दर्शक ने इसके बारे में मुझसे कहा था कि मैं बनाऊँ। चूँकि ये पार्ट संस्कृत में है तो जो लोग संस्कृत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। कम से कम एक पार्ट तो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप 7 पार्ट, 9 पार्ट, 11 पार्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो शुरुआत होती है नवग्रह कवच की वो होती है ब्रह्मोवाच से। कैसे है? सिरो में पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पति ही मुखम अंगार कह पातु कंठस्य शशिनंदना बुद्धिम जुह्वा सदा पातु हृदयम रघुनंदना जठरम चा सनिहा पातु जिह्वां मेदुतिनंदना पादो केतु सदा पातु वाराह सर्वांग मे वचा तिथियोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणी वपुहा सदा अंसौ राशिहा सदा पातु योगस्थ स्थिर मे वचा गुह्यम लिंगम सदा पान्तु सर्वे ग्रह शुभप्रदा अड़ी मादनी सर्वाणी लभते यः पठे ध्रुवम। तो ये इस तरीके का पाठ आपको रोज करना है। लेकिन याद रहे कि आपको जब बहुत सारे पाठ करने हो तो एक बार इसकी फल श्रुति भी करनी है। नीचे मैं फल श्रुति भी कह के बता रहा हूं, उसका अर्थ भी बताऊंगा। फल श्रुति आपको एक बार करनी है शुरू में, एक पाठ पहले दिन, और उसके बाद हर दिन आपको ये करना है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला जैसे पाठ है आपका तो फल श्रुति के साथ करें और बाकी फिर आप कंटिन्यू 11 पाठ, 9 पाठ करते चले जाएं। तो अब फल श्रुति क्या है? फल श्रुति है एताम रक्षाम पठेदस्तु भक्त्या सा प्रेता सुदीहि सा चिरायुः सुखी पुत्रे ऋणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनवाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यं सुरूपां सुमनोहरां रोगी रोगत प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषता यः करे धरे नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानम स्तेयम गुरुमंगनागमा सर्व पापे प्रमुच्येत कवचस्य चा धारणात् नारीवां भुजे धत्वा सुखे सर्व समन्विता काकवंद्या जन्मवंद्या मृतवत्सा चया भवेत बहुपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादता। इस तरीके से ये नवग्रह का जो कवच है वो संपूर्ण हो जाता है। ये कवच जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसके जो हम पाठ करते हैं तो नवग्रह हमारी रक्षा करते हैं, और इसके बारे में धारणा है जो मैंने अभी बताया है, जो इसकी फल स्तुति की है उसके बारे में ये है कि इसके पठन पाठन से सभी नवग्रह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमें किसी भी प्रकार के युद्ध में विजय प्राप्त होती है। अब युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से तलवार लेके निकल पड़े, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी प्रकार का कोई चीज़ अटक गई हो, कोर्ट कचहरी हो, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। जिनको पुत्र की कामना होती है उन्हें पुत्र प्राप्त होता है,
जिन्हें धन की कामना होती है उनको धन मिल जाता है, जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है उनका विवाह हो जाता है, जो लोग रोगी होते हैं असाध्य रोग से पीड़ित हो रखे होते हैं उनका रोग अपने आप ठीक होने लगता है, और सभी प्रकार से जो हमारा हर तरफ से चारों दिशाओं से हमारी रक्षा होती है। और जो कोई भी इंसान किसी भी गुनाह में कारावास भोग रहा होता है, निर्दोष होता है, उसे कारावास से मुक्ति मिलती है, जिसे भय सताता है वो निर्भय हो जाता है, और जो ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भोगता है वह उस दोष से मुक्त हो जाता है, जो सभी प्रकार का सुरापान करता है वो भी निर्दोष हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि अगर इस कवच को आप भोजपत्र पे लिख के कोई भी स्त्री अगर अपनी वाम भुजा यानी वाहिनी भुजा में बांध लेती है, धारण कर लेती है, तो वह सभी सुख ऐश्वर्यों को भोगती है। तो इस प्रकार से ये जो कवच है नौ ग्रहों की बाधाओं से हमें मुक्त करता है और सभी प्रकार के सुखों को हमें प्रदान करता है। अब इसको करने के लिए कोई सा भी दिन आप ले सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चूंकि ये नौ ग्रहों का है तो इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस दिन से आप करें, सभी ग्रहों की स्तुति हो जाएगी। याद रहे जिस दिन से आप करेंगे तो आपको जो पहला पाठ है, अगर आप एक पाठ करते हैं तो फिर फलश्रुति के साथ ही करिए, अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं जैसे 11 पाठ, 7 पाठ, 9 पाठ, तो जो पहला पाठ दिन का स्टार्टिंग होगा वो फलश्रुति के साथ होगा और बाकी बचे हुए पाठ केवल ब्रह्मोवाच के ही होंगे, सिर्फ फलश्रुति नहीं होगी। इस तरीके से आप करिए, संकल्प ले लीजिए पहले दिन। संकल्प के बारे में मैंने बताया हुआ है कैसे संकल्प लेना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, कहाँ रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं, आपका गोत्र क्या है, और उसके बाद अच्छे किस पर्पस से आप इस कवच को कर रहे हैं वो कवच में बोल दीजिएगा और चालू हो जाइए। आप देखेंगे नौ ग्रह के आपको सकारात्मक परिणाम अपने आप मिलना चालू हो जाएंगे, और बीज मंत्रों से भी सर्वश्रेष्ठ इसको कहा गया है। जिनके पास समय नहीं है कि वो 108 माला का जाप करें, वो लोग इसकी कम से कम 7-9 माला कर सकते हैं। जो लोग को प्रॉब्लम है, नहीं आता है समझ में संस्कृत, वो लोग इसको ना जापें, वो लोग सीधे बीज मंत्रों का ही जाप करें। ये पाठ उनके लिए है जिन्हें संस्कृत आसानी से समझ में आ जाती है, या जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में विषय में संस्कृत लिया हुआ है, या जिन्होंने संस्कृत महाविद्यालय या विद्यालय से परीक्षा पास की है, जिनके सब्जेक्ट में संस्कृत था, वो लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण हो, मंगलमय हो दिन उनका, सभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण, जय श्री महाकाल।